अफगानिस्तान में 20 साल बिताने के बाद अमेरिकी सेना ने वापसी कर ली है, जिसके बाद कई दिनों तक अफगानिस्तान में तनाव रहा, जगह जगह हिंसा हुई और कई लोग मारे भी गए। फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार बना चुका है और अब पूरी तरीके से अफगानिस्तान तालिबानियों के कब्जे में जकड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने तालिबानियों के साथ साथ पाकिस्तान की भी नींद उड़ा दी है। जी हाँ, दो दशकों के बाद भले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लिया हो, मगर अमेरिका अब भी तालिबान और उसके सहयोगियों को माफ करने के मूड में नहीं है। अमेरिका अब भी तालिबान को घेरने की कोशिश कर रहा है और अब पाकिस्तान भी इस मामले में बुरी तरह फंस चुका है। दरअसल बुधवार को अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के 22 सांसदों ने अमेरिकी सीनेट में एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में तालिबान को तो बैन करने की बात हो ही रही है, साथ ही तालिबान के समर्थक देशों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में इस बिल को लेकर खलबली मच गई है। इस बिल को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी आपत्ति जाहिर की है और इसे गैर जरूरी बताया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। बीते दिन अमेरिका के 22 रिपब्लिकन सीनेटर के एक समूह ने तालिबान और उसका समर्थन करने वाले सभी विदेशी सरकारों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान वाला विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का नाम अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है। इसे सीनेटर जिम रिस्क द्वारा पेश किया गया। सीनेटर विदेश संबंध समिति के सदस्य हैं। विधेयक में कौन सी मांग की गई है ये भी जानते हैं। विधेयक में विदेश मंत्री से एक रिपोर्ट की मांग की गई है, जिसमें लिखा गया है कि साल 2001 से साल 2020 के बीच अफगानिस्तान की सरकार गिराने में और तालिबान को समर्थन देने में पाकिस्तान की भूमिका क्या रही है, इसका आकलन किया जाए और एक रिपोर्ट पेश की जाए। रिपब्लिकन सीनेटर्स ने इसके अलावा बाइडेन प्रशासन से ये भी कहा है कि पंजशीर घाटी में अहमद मसूद के लड़ाकों के खिलाफ तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान की क्या भूमिका रही थी, उसका भी आकलन करना चाहिए। इसके साथ ही आर्थिक सहायता, खुफिया सहायता, जमीनी सहायता, लॉजिस्टिक्स और मेडिकल सपोर्ट, ऑपरेशनल और रणनीतिक ट्रेनिंग को लेकर पाकिस्तान सरकार की भूमिका को भी परखा जाए। 57 पेजों के इस विधेयक का मकसद तालिबान और तालिबान समर्थक देशों को दंडित करना और उस पर प्रतिबंध लगाना है। हालांकि पाकिस्तान ने अमेरिकी सीनेटर के इस कदम का विरोध किया है। पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री इस विधेयक को लेकर अमेरिका की जबरदस्त आलोचना कर चुकी हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस कानून में पाकिस्तान को कुछ जगहों पर इस्तेमाल किया गया है जो पूरी तरह से गैर जरूरी था। वहीं पाकिस्तान के मंत्री शेख राशिद ने कहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान को सैन्य सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इस विधेयक के पेश होने के बाद तो जाहिर है कि अमेरिका अब भी तालिबान को घेरने की कोशिश कर रहा है और अब पाकिस्तान भी इस मामले में बुरी तरह फंस चुका है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Facebook पर वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।